हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सोनू रस्तोगी। देखिए बेटा, आज मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया हूँ। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल के रूल से इसको सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन ध्यान दीजिए कैसे करते हैं सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे, इस एक्स की जगह पे लेट, अब क्या करेंगे यहाँ पर, इस एक्स की जगह पर आप इसको मान लेंगे एक्स प्लस एच, है ना। इस प्रकार से फंक्शन बनाएंगे इसमें। जैसे ये आपको दे रखा है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 27, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, x की जगह पर लेंगे x प्लस एच। ये रूल है फर्स्ट प्रिंसिपल का, ठीक है। x की जगह पर x प्लस एच का होल क्यूब माइनस 27। इसको ओपन कर देते हैं तो यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब लगा देंगे, वो क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस का 27, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसका जो डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होता है, डेरिवेटिव का जो उसमें फॉर्मूला होता है, वो होता है लिमिट एच रेंज टू, रेंज जो है इसकी एच की 0 है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। इस प्रकार से ये लगा देंगे, ठीक है। अब आगे मैं यहाँ कर देता हूँ, थोड़ी जगह की समस्या है, ठीक है। एफ एक्स प्लस एच का मान ये है पूरा, तो यहाँ लगा देते हैं लिमिट एच रेंज 0, इसका मान ये पूरा दे रखा है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर एच प्लस 3 एक्स एच स्क्वायर माइनस का 27, ठीक है। इस प्रकार से लगा दिया। और माइनस का एफ एक्स, थोड़ी जगह कम है, माइनस एफ एक्स, एफ एक्स का मान ये दे रखा है एक्स क्यूब, ठीक है। अच्छा देखिए, माइनस है तो ये चिन्ह चिन्ह हो जाएगा ना, प्लस 27 अपॉन एच। लास्ट तक आ गया, हाँ ठीक है। ठीक है, तो ये सारे मान लगा दिए। अब देखिए आगे, लिमिट एच रेंज 0, यहाँ से क्या है, हम यहाँ से देखिए ध्यान से रहा, इस वाले से ये कैंसिल हो गया और इस वाले से ये कैंसिल हो गया, एक प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया। यहाँ भी एच है और यहाँ भी एच है और यहाँ भी एच है, तो एच कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा एच स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 3xh, है ना, ये बचेगा अपॉन h, ठीक है बेटा। तो ये आ गया इसका, है ना। तो इस h से h कट जाएगा, क्या बचेगा, लिमिट h रेंज 0 आ रहा है ना, बट ठीक है। तो यहाँ h का मान कितना है, 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल इतना बचेगा, है ना। तो 0 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 0, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। जरा इसको एक बार और देखिए बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव से सॉल्व करना है। हमने क्या करा, इस पूरे को फंक्शन मान लिया एफ एक्स, फिर हमने x के ऊपर क्या एज्यूम करेंगे, x प्लस एच। कोई भी आपको क्वेश्चन दे रखा हो, आप उसको x प्लस एच ही एज्यूम करना, ठीक है। फिर इसको ओपन कर देंगे, इस ये है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में आप रख देंगे एफ एक्स का जगह एफ एक्स का मान लगा देंगे, एफ एक्स प्लस एच का इसका मान लगा देंगे, दोनों माइनस करेंगे और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले लीजिए बेटा इसका, ठीक। अब देखो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ और इसको दिखाता हूँ। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ, है ना, हिंदी में कहते हैं अवकलज, अगर मैं इसका अवकलज करता हूँ तो अवकलज से देखिए कितनी आसानी से होता है ये, बस इतना बढ़ा देते हैं, ठीक है। देखें, अगर मैं इसका अवकलज करता हूँ तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इसको मैं लिखूंगा डी ओवर डी एक्स। एक्स ये होता है अवकलज का, प्रेजेंट करता है अवकलज को डी ओवर डी एक्स, ठीक है। अगर यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है तो एक्स के सापेक्ष ही करेंगे, अगर यहाँ वाई दिया हो तो वाई के सापेक्ष करते हैं हम, ठीक है। अगर दोनों ही होते हैं तो क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन, ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है फिर हमें, ये हो गया, ठीक है। अब इसका रूल क्या है, रूल इसका यह है कि जितनी पावर होगी उसको आगे कर देना है, ये आगे कर दिया, और जितनी है उसमें से एक कम कर देंगे, माइनस वन, पावर को आगे लेंगे उसमें से एक कम कर देंगे, और जो फिक्स नंबर जो कांस्टेंट होता है उसका अवकलज हमेशा 0 होता है। तो 3x, दो तीन में से एक जाएगा, तो ये आ गया आंसर। देखिए इस मेथड से कितनी आसानी से सॉल्व हो गया है ना, और उससे देखिए हमें कितना लॉन्ग करना पड़ता था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ और इसका सॉल्यूशन जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। इसका क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, इसी मेथड से करना है और इसका सोल्यूशन जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और मुझे आप ये भी बताइए कि आपको इन दोनों में से कौन सा मेथड ज़्यादा बेस्ट लगा, ठीक है। क्वेश्चन है, x की पावर 4, यानी 4 मत लीजिए, थोड़ा सा सही कर लेते हैं, x की पावर 2
टू ले लीजिए प्लस 64। ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे।